एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपसे समर मेकअप शेयर करूंगी। इस मेकअप के लिए मैंने बहुत ही कम प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया है। ये मेकअप स्वेट प्रूफ, वाटरप्रूफ और 100% लॉन्ग लास्टिंग है। ये मेकअप ऑयली स्किन वालों के लिए भी परफेक्ट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो से। सबसे पहले मैं अपने पूरे फेस पे आइस क्यूब को अप्लाई करूंगी। आइस क्यूब को मैं इस रुमाल में इस तरह से लपेट के अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। आइस क्यूब को फेस पे रब करने से हमारी स्किन स्मूथ और फ्रेश बनती है, और ऐसा करने से हमारे फेस पे ऑयल और स्वेटनेस जल्दी ही नहीं आती। अब इस रुमाल की हेल्प से मैं अपने पूरे फेस को एकदम से साफ कर लूंगी। अब मैं लैक्टोकैलामाइन का मॉइस्चराइजर यूज करूंगी। ये ऑयल को बैलेंस करता है। अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूंगी सनस्क्रीन। समर में आप सनस्क्रीन को अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, अगर आपके फाउंडेशन, बीबी या सीसी क्रीम में एसपीएफ है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो। सनस्क्रीन को गर्दन पे अप्लाई करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे भी तो टैनिंग हो सकती है। अब सनस्क्रीन लगाने के बाद मैं 2 मिनट का वेट करूंगी। ऐसा करने से ये मेरे पूरी स्किन पे सेट हो जाएगी। अब मैं इस्तेमाल करूंगी चे कुड़की का प्राइमर। ये प्राइमर वाटरप्रूफ है और ये स्किन को स्मूथ भी बनाता है। ये प्राइमर ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं अपने लैक्टोकैलामाइन ऑयल बैलेंस मॉइस्चराइजर को मैबलिन के फिट मी फाउंडेशन के साथ मिक्स करूंगी। ऐसा करने से ये दोनों एक बीबी क्रीम की तरह काम करेंगे। अब मैं इन दोनों को अच्छे से मिक्स करके अपने पूरे फेस पे लगा लूंगी। मैं इसको सेम फाउंडेशन की तरह डॉटिंग मोशन में अपने पूरे फेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अब मैं फेस पाउडर अप्लाई करूंगी अपने पूरे फेस पे। अब आई शेडो, ब्लश और लिप्स के लिए मैं एक ही लिक्विड लिपस्टिक का इस्तेमाल करूंगी। आप कोई भी अपने पसंद की लिक्विड लिपस्टिक का इस्तेमाल कर सकती हो, पर मेक श्योर कि वो लिक्विड लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग हो। इस लिक्विड लिपस्टिक को एज आई शेडो अप्लाई कर लूंगी। फिर मैं इसे जल्दी से ब्लेंड कर लूंगी, नहीं तो ये ड्राई और पैची भी लग सकती है। अब मैं इस्तेमाल करूंगी प्लम की काजल पेंसिल। ये काजल पेंसिल 100% वाटरप्रूफ और स्मज प्रूफ है। इस काजल पेंसिल को मैं एज आईलाइनर और काजल की तरह भी यूज करूंगी। वैसे तो जो मैंने काजल इस्तेमाल किया है वो स्मज प्रूफ और वाटरप्रूफ है, पर फिर भी मैं इसे और भी ज्यादा वाटरप्रूफ बनाने के लिए लिक्विड आईलाइनर का इस्तेमाल करूंगी। अब इसी तरह से मैं पहले काजल पेंसिल को वाटरलाइन पे अप्लाई करूंगी, उसके बाद मैं आईलाइनर का इस्तेमाल करूंगी। अब काजल और आईलाइनर की दोनों की लाइनों को आपस में जॉइन करते हुए मैं विंग आईलाइनर बनाऊंगी। अब मैं यूज करूंगी मैबलिन का मस्कारा। ये मस्कारा 100% वाटरप्रूफ है। अब सेम उसी लिक्विड लिपस्टिक को मैं एज अ ब्लश अप्लाई करूंगी। मैं इसे जल्दी से ब्लेंड कर लूंगी ताकि बिल्कुल भी पैची या कैकी ना लगे। अब लिपस्टिक के लिए मैं सबसे पहले अपने लिप्स को फिल करूंगी, उसके बाद मैं उसी लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई कर लूंगी।
अब मैं हल्का सा हाइलाइटर इस्तेमाल करूंगी अपने चीक बोन, लिप्स के पास और नोज के पास। अब अपने मेकअप को पूरी तरह से सेट करने के लिए मैं किस ब्यूटी के मेकअप सेटिंग स्प्रे का इस्तेमाल करूंगी। ये मेकअप सेटिंग स्प्रे ऑयली स्किन वालों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरा समर मेकअप कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आप मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हो फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू। मैंने अपने दोनों पेजेस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, तो आप उसे एक बार जरूर चेक करना। अगर आपके लिए हमारा आज का वीडियो सच में हेल्पफुल रहा है तो जरूर आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे जल्द ही मिलती हूँ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल बटन को जरूर प्रेस करें। ऐसा करने से आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मैंने अपना न्यू वीडियो कब अपलोड किया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।